हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल टू डिफरेंट ब्रीड। तो गाइस, अभी मैं हूँ अपने घर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे मैंने एक पपी देखा जिसकी तबीयत मेरे को ख़राब लगी। तो मैंने सोचा हो सकता है शायद ये भूखा हो, तो हम इसके लिए दूध लेके आते हैं, पर इसने दूध नहीं पिया। थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश की, पानी इसने हल्का सा चखा और फिर नहीं पिया। दही लेके आए हम इसके लिए, दही भी इसने नहीं खाई। तो फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि जो ये कुछ भी खा नहीं रहा है। इसके भाई बहन सब यहाँ पे पड़े हैं, वो आप प्लेट देख सकते हो, उसमें हमने इसे दही खिलाने की कोशिश करी पर इसने नहीं खाई। फिर एक बंदे ने हमें बताया कि कल यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, तो धूप की वजह से ये बेचारा उसके गाड़ी के नीचे लेट गया होगा छाई की वजह से। और जब वो बंदा लेके चला तो उसने ध्यान नहीं दिया और ये उस गाड़ी के नीचे आ गया। तो मेरे पे इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि सारे इसके जितने भी भाई बहन हैं सब आराम से सो रहे थे और ये बेचारा बार बार वोमिटिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हम इसको लेके जाते हैं इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ पे। ये बेचारा सोच रहा होगा कि ये कैसे लोग हैं, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि शायद ये कभी ऐसे किसी के साथ गया होगा अपने भाई बहनों से अलग। पर जहाँ तक है इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, यहाँ पर हम डॉक्टर के यहाँ पर आ जाते हैं इसको लेके और फिर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, डॉक्टर को बताते हैं। तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करता है, बट वो वीडियो बनाने से थोड़ा मना करता है मेरे को। तो फिर मैं सोचता हूँ ठीक है वीडियो नहीं बनाते। तो ये हल्की सी आपको क्लिप दिखाई, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करा के डॉक्टर इसे अच्छी तरह चेक कर लेता है। मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आगे कोई से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, और फिर हम वापस निकल जाते हैं इसको इसके माँ बाप के पास, इसके भाई बहनों के पास छोड़ने के लिए। तो गाइस, बात ये है कि हम इंसान अगर हमें चोट लगती है तो हम अपना ट्रीटमेंट करा पाते हैं, बट ये बेजुबान जानवर अगर इनको कोई चोट लगती है तो ये ना तो किसी को बता सकते ना ही ये अपना कोई ट्रीटमेंट करा सकते। सिर्फ एक ही इनके पास ऑप्शन होता है, वो है सहन करना। इन्हें जितना भी पेन होता है, जो भी होता है, सब इन्हें सहन करना पड़ता है। तो गाइस, यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कभी कहीं रुकते हो और फिर चलते हो वहाँ से, तो एक बार अपनी गाड़ी के नीचे ज़रूर देखें। क्या पता कोई छोटा सा पप्पी गाड़ी के नीचे हो और वो बाद में दब जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम इसे छोड़ रहे हैं इसके भाई बहनों के पास। और देखो कैसे ये आराम आराम से चल के अपने भाई बहनों के पास जा रहा है। आई होप कि आगे ये बिल्कुल ठीक रहे, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और काश अगर ये मेरे घर के पास होता तो इसे मैं देखने दोबारा ज़रूर आता, पर ये मेरे घर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे था। तो गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।